जय संदीप मित्रों, मैं सचिन शर्मा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं और संदीप से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें और आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। अप्रैल के महीने में शनिदेव, राहु, केतु और गुरु का राशि परिवर्तन है जो कि आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन सभी महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन का आप लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो यदि आप अगले महीने भी अपना वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें जिससे आपको भी लाभ हो सके और अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। हम इस वीडियो में सिर्फ वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा सिर्फ उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इस वीडियो के अलग अलग सेक्शन में हम चर्चा करेंगे आपके कैरियर संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपके फाइनेंस संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपके रोमांस संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपके फैमिली संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपके स्वास्थ्य संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, आपको किस रंग के वस्त्र किस दिन धारण करने से लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने, और अंत में हम चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें अप्रैल के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 8 नंबर लिखा है और उसके साथ उसी भाव में LA लिखा है जैसा कि आप देख रहे हैं, और यदि आप अपनी कुंडली हिंदी में देख रहे हैं तो वहाँ प्रथम भाव में LA के स्थान पर हिंदी में ल लिखा होगा, तो यह मासिक राशिफल अप्रैल 2022 आपके लिए है। बाकी सभी लगन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सर्वप्रथम बात करते हैं आपके कैरियर संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। 1 से 14 अप्रैल तक का समय आपकी कुंडली को जिस प्रकार दिखेगी, जैसा आप देख रहे हैं वर्तमान समय में राहु आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, केतु आपकी कुंडली के लगन भाव में है, मंगलदेव, शनि और शुक्र की युति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, गुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और सूर्यदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि इन सभी ग्रहों का आपके कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। देखिए, सूर्यदेव का गोचर और दशा आपके जीवन में अत्यंत महत्व रखती है क्योंकि सूर्यदेव आपकी कुंडली के कर्म भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में सूर्यदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में हैं, जहां से सूर्यदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के लाभ भाव पर होगी। तो ये समय आपकी मेहनत अनुसार जो लाभ आपको नहीं मिल रहा था उसमें आपको कुछ लाभ दिलवा सकता है। इस समय आपकी आय के स्रोत बढ़ सकते हैं, अर्थात आप यदि नौकरी करते हैं तो आप किसी प्रकार के बिजनेस को भी प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय आप किसी प्रकार का कोई डिप्लोमा डिग्री अपनी नौकरी के साथ प्रारंभ कर सकते हैं, इस प्रकार की संभावना भी बनती है। आप अपने मित्रों के साथ यदि किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि होती दिखाई देगी। यदि आपकी नौकरी में प्रमोशन को लेकर किसी प्रकार का कोई विलंब चल रहा था वो यहाँ दूर होगा, यहाँ पर आपको आपकी नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना भी बनती है। इस समय किसी प्रकार की यात्रा का योग भी आपका बना हुआ है, यदि आप अपने मित्रों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने की संभावना भी बनती है। जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय कुछ शुभ फल दे सकता है। वर्तमान समय में मंगलदेव और शुक्र की युति आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है, जहाँ से मंगलदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर, नवम भाव पर और करम भाव पर होगी। जो जातक विदेश में किसी प्रकार की कोई नौकरी ढूंढ रहे हैं ऐसे जातकों को यहाँ बहुत ही सकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं। आप में अत्यधिक आत्मबल का प्रवाह होगा, आप यहाँ पर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ भी समझ सकते हैं जिसके कारण आपके कार्य में अड़चनें बढ़ सकती हैं, आपके कार्यस्थान पर तनाव भी थोड़ा बढ़ सकता है। इस समय में आपकी यात्राएं आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में बढ़ती दिखाई देंगी। यदि आप अपने भाई बहनों के साथ किसी प्रकार का कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसमें विस्तार होगा, परंतु किसी बात को लेकर आपका आपके भाई बहनों के साथ तनाव थोड़ा बढ़ सकता है। वर्तमान समय में आपका वर्कलोड बहुत अधिक बढ़ सकता है, इसका आपकी फैमिली लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर हम अपने फैमिली रिलेटेड सेक्शन में आगे चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में गुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में है, कुंडली के चौथे भाव से गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर, 12वें भाव पर और कुंडली के अष्टम भाव पर होगी। इसके कारण आपके कार्य में, आपकी नौकरी में, आपके बिजनेस को लेकर एक स्थिरता आएगी, आपका मानसिक तनाव आपकी नौकरी को लेकर कम होता दिखाई देगा। गुरु आपकी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान समय में गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर होने के कारण आपके बिजनेस में कुछ सकारात्मक फल आपको मिलते दिखाई देंगे, कुछ सकारात्मक उपलब्धियां आपको मिल सकती हैं। वर्तमान समय में शनिदेव आपकी कुंडली के तीसरे भाव में अपनी ही राशि मकर में है,
आपको यहां पर धैर्य धरना है, किसी भी बात को लेकर नकारात्मक विचारों से स्वयं को आपने दूर रखना है, क्योंकि ये वो समय है जब शनिदेव आपकी परीक्षा की चरम सीमा पर हैं, अर्थात आपकी परीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है और शनिदेव अब आपको आने वाले समय में आपकी मेहनत के अत्यंत शुभ फल देने के लिए बाध्य रहेंगे। 14 से 25 अप्रैल तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। इस समय में राहु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव से छठे भाव में होगा, सूर्यदेव का गोचर आपकी कुंडली के पंचम भाव से आपकी कुंडली के छठे भाव में होगा जहाँ राहु हैं, और केतु आपकी कुंडली के 12वें भाव में होंगे जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए, इस समय में सूर्यदेव और राहु की युति के कारण आपकी कुंडली में ग्रहण दोष का निर्माण कुंडली के छठे भाव में होगा, जिसके कारण आपको किसी प्रकार का कोई अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। यदि आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो इस समय आपके कार्य सुलझते भी दिखाई देंगे। यदि आपके बिजनेस में किसी प्रकार का कोई रुकावटें आ रही थी, किसी प्रकार की रुकावटें बढ़ गई थी, तो उसमें भी आपको राहत मिल सकती है। परंतु इस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से स्वयं को दूर रखें, अन्यथा इस समय आपको किसी प्रकार की कानूनी समस्या में भी डाल सकता है। राहु की दृष्टि आपकी कुंडली के कर्म भाव पर होगी, जिसके कारण इस समय आप अपने कर्म स्थान पर किसी भी प्रकार की बहसबाजी से दूर रहें। किसी भी बात को लेकर आपका तनाव आपके कार्यस्थान पर बढ़ सकता है। इस समय में ऐसे जातकों को कुछ अकस्मात लाभ भी मिल सकता है, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, जो लोग विदेश में नौकरी ढूंढ रहे हैं, ऐसे जातकों को कुछ सकारात्मक फल देखने को मिल सकते हैं। 25 से 30 अप्रैल तक का समय आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी जैसा आप देख रहे हैं। इस समय में शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी कुंडली के चौथे भाव में होगा, और गुरु का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से आपकी कुंडली के पंचम भाव में अपनी ही राशि मीन राशि में होगा, जो इस वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन है। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं गुरु के राशि परिवर्तन की। गुरु की दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव से कुंडली के 11वें भाव पर, भाग्य भाव पर और कुंडली के दूसरे भाव पर होगी, जैसा आप इन एरो की मदद से देख रहे हैं। ये समय आपकी सोच में एक स्थिरता प्रदान करेगा। यदि आपका मस्तिष्क किसी प्रकार की उलझनों में फंसा है, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की हलचलें बनी हुई थी, किसी प्रकार की अस्थिरता पिछले कुछ वर्षों में बन गई थी, तो ये वो समय रहेगा जब आप में एक सकारात्मक सोच का निर्माण होगा, आपकी निर्णय लेने की क्षमता में विकास होगा। पिछले कुछ समय से यदि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा था, तो उसमें आपको सकारात्मक फल देखने को मिलेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देता दिखाई देगा, आपके रुके हुए कार्य पुनः प्रारंभ होने की संभावना भी यहाँ बनती है। यदि आपका कोई बिजनेस, आपका कोई कार्य रुक सा गया था, उसमें कुछ सकारात्मक फल आपको नहीं मिल रहे थे, आपको लगने लगा था कि अब इसमें कुछ लाभ आपको मिलना मुश्किल है, तो ये वो समय रहेगा जब आपके कार्य में सभी बाधाएं दूर होती दिखाई देंगी, आपकी मेहनत अनुसार लाभ आपको मिलेगा। ये समय ऐसे जातकों को कुछ शुभ फल दे सकता है जो जातक एजुकेशन के कार्य से जुड़े हैं, जो जातक किसी प्रकार के एनालिसिस के कार्य में हैं, जो जातक शोध अर्थात रिसर्च जैसे कार्य में हैं, जो जातक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कार्यों में हैं। ये समय विद्यार्थियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय रहेगा। आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी, आपकी मेहनत अनुसार लाभ आपको मिलने की संभावना बहुत प्रबल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन की। इस समय शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में होंगे, जो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गोचर है, क्योंकि इस समय में शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के छठे भाव पर, कुंडली के दशम भाव पर और कुंडली के लगन भाव पर होगी, जैसा आप इन एरो की मदद से देख रहे हैं। देखिए, शनिदेव ही एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो कुंडली में राहु और केतु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में आपकी सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं। शनिदेव का ये गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में शश पंच महापुरुष योग का निर्माण करेगा, जो कि आपकी कुंडली में 30 वर्ष पश्चात आया है, और वृश्चिक लगन के जातकों के लिए आने वाला समय आपके कैरियर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आपके कैरियर में एक स्थिरता आती दिखाई देगी, जो अस्थिरता आपके कैरियर को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर पिछले कुछ वर्षों में बनी हुई थी, वो यहाँ समाप्त होती दिखाई देगी। ये समय आपके कार्य को लेकर, आपकी नौकरी को लेकर बहुत शुभ समय रहेगा। इस समय आप किसी भी प्रकार के नए कार्य को करने में सक्षम रहेंगे।
यहाँ आप किसी प्रकार के छोटे से छोटे अवसर को ना छोड़ें, ये आपके लिए आने वाले भविष्य में बहुत ही शुभ फल आपको दे सकता है। इस समय आपको कुछ नए अवसर भी मिलते दिखाई देंगे। ये समय आपकी जिम्मेदारियां आपके कार्य में बढ़ती दिखाई देंगी। चौथे भाव में शनिदेव आपको आपके कार्य के प्रति अधिक जवाबदेह भी बनाता है। आप में अपने कार्य को लेकर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सीरियसनेस, एक गंभीरता बहुत अधिक बनती है। यहाँ पर शनिदेव आपको प्रॉपर्टी में निवेश की तरफ भी आकर्षित करते हैं और उसमें आपको अच्छा लाभ यहाँ पर दिलवा सकते हैं। तो ये था आपके कैरियर संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। 13 अप्रैल के बाद का समय ऐसे जातकों को सावधान रहना होगा जिन्हें रीढ़ की हड्डी से संबंधित अथवा आपको यदि आपकी नसों से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या है तो ये समय आपके लिए उतना सकारात्मक समय नहीं है। यदि आप जिम करते हैं, यदि आप वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सावधान रहें। 20 से 24 अप्रैल तक का समय आपको बहुत अधिक सावधान रहना होगा। यहाँ आपको नींद आने में समस्या हो सकती है, आपकी बेचैनी बहुत अधिक बढ़ सकती है जिसके कारण आपका मानसिक तनाव बहुत अधिक बढ़ सकता है। तो ये था आपके स्वास्थ्य संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी फाइनेंस और वित्त संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। 1 से 12 अप्रैल और 25 अप्रैल के बाद का समय आपके फाइनेंसेस में, आपके वित्त में सुधार होता दिखाई देगा। आपके फाइनेंस में वृद्धि होगी। ये समय आपके फाइनेंस के लिए, आपके वित्त के लिए सकारात्मक समय रहेगा। 15 से 23 अप्रैल तक का समय आपके खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। ये खर्चे आपकी यात्राओं में हो सकते हैं, ये खर्चे आपके स्वास्थ्य को लेकर हो सकते हैं, थोड़ा सतर्क रहें। 9 से 11 अप्रैल और 24 से 26 अप्रैल को आपको कहीं से धन लाभ हो सकता है। हो सकता है ये लाभ आपको अपने पिछले किसी निवेश से प्राप्त हो, ऐसी संभावना भी यहाँ बनती है। तो ये था आपके फाइनेंस और वित्त संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके रोमांस और प्रेम संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। देखिए, जो लोग सिंगल हैं वो 20 से 24 अप्रैल के बीच किसी प्रकार की रिलेशनशिप में, अर्थात आप किसी प्रकार के प्रेम संबंध में यहाँ पड़ सकते हैं। देखिए, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए 13 अप्रैल तक का समय थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। 13 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए शुभ समय रहेगा। यहाँ पर आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपका यदि किसी प्रकार का कोई तनाव आपके रिलेशनशिप को लेकर बन गया था वो यहाँ दूर होता दिखाई देगा। तो ये था आपके रोमांस और प्रेम संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपकी फैमिली संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। 1 से 10 अप्रैल तक का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए तनाव थोड़ा बढ़ा सकता है, थोड़ा संयम रखें। 18 अप्रैल के बाद का समय आपको अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस करने में थोड़ी समस्या आ सकती है जिसके कारण आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ सकता है। 15 अप्रैल के बाद का समय आपके रिश्ते आपके पिता के साथ थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं। इस समय आपके पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी किसी प्रकार का तनाव घर में बढ़ सकता है। तो यह था आपके परिवार संबंधित अप्रैल का महीना कैसा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि किस दिन किस रंग के वस्त्र धारण करने से आपको लाभ हो सकता है और किस दिन आपको किस रंग के वस्त्र धारण नहीं करने। 16 अप्रैल के बाद का समय आप हरे रंग के वस्त्र और नारंगी रंग के वस्त्र से थोड़ा दूर रहें, ना धारण करें। इस महीने में यदि आप 12 से 15 अप्रैल और 25 से 27 अप्रैल को सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं तो ये आपके लिए अत्यंत लाभकारी रह सकते हैं। 14 अप्रैल के बाद का समय आपके लिए पीले रंग के वस्त्र शुभ हो सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महत्वपूर्ण उपायों की जिन्हें अप्रैल के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप 18 अप्रैल को प्रातः 5:40 से शाम 6:30 के बीच 250 ग्राम हल्दी और 2.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा किसी गरीब को दान करें। आप 26 अप्रैल को प्रातः 5:45 से शाम 6:50 के बीच भैरव जी के मंदिर में तिल के तेल का दिया अवश्य जलाएं और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्रों का दान किसी गरीब को करें। आप प्रत्येक शनिवार को ₹5 अथवा ₹10 के सिक्के का दान किसी मंदिर में अथवा किसी गरीब को करें। आपने सिक्के का दान करना है, कागज के नोट का दान नहीं करना। आप अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाकर रखें। आप रोज सूर्यास्त के बाद कुत्तों को अथवा मछलियों को भोजन अवश्य करवाएं। जिन जातकों का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें 14 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष व्रत करना है। इस दिन आप सूर्य उदय होने से पूर्व उठे, स्नान करें, शिव मंदिर जाएं, वहां बैठकर आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपने करना है। इस दिन आप शिव चालीसा पढ़ें, छोटी कन्याओं को भोजन खिलाएं, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह में जो भी अड़चनें आप फेस कर रहे हैं वो आपकी दूर होती दिखाई देंगी। तो ये थे वो महत्वपूर्ण उपाय जिन्हें अप्रैल के महीने में करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये था वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए अप्रैल 2022 कैसा रहेगा। शनिदेव आप सभी लोगों पर अपना आशीर्वाद बनाकर रखें। धन्यवाद।